स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। देखिए, इसमें हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड टू कंप्यूट वाई इज इक्वल टू वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.05 एंड x इज इक्वल टू 0.1। गिवन दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y विद द इनिशियल कंडीशन x 0, 0, y 0, 1, गिव द करेक्ट रिजल्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए क्वेश्चन क्या है, यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो मेथड हमें अप्लाई करना है यूलर्स मॉडिफाइड, कंप्यूट यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की इस वैल्यू के लिए एंड एक्स की दूसरी वैल्यू है 0.1, तो इन दोनों के लिए वाई फाइंड करना है। डीवाई अपॉन डीएक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना, इनिशियल कंडीशन के बिना, डेसिमल के 4 प्लेस हमें लेनी है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एफ एक्स वाई मानते हैं, इसको नंबर दे दिया इसको। अब क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx 0 निकालेंगे, यानी या f x 0 y 0 क्या होगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे और x 0 y 0 की वैल्यू ये दोनों यहाँ पुट करेंगे और ये 1 आ गई। टेकिंग इंटरवल h 0.5, ये जो x, देखिए x की वैल्यू ये है, x 0 ये है, दोनों में डिफरेंस 0.05 का, वही इंटरवल लिया। अब हमें निकालना है बाई वन की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जिसको हम वन लिखते हैं, बाई वन वन। फॉर्मूला ये वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, बाई जीरो वन प्लस एच इंटू एफ एक्स जीरो वाई जीरो, एफ एक्स जीरो वाई जीरो वन। कैलकुलेशन इसकी ये आएगी, मल्टी फिर एडिशन। अब हम निकालेंगे डी वाई वन एक्स वन, ये वन बाई वन के लिए है, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, तो क्या होगा एक्स वन प्लस बाई वन वन, यहाँ से एक्स वन प्लस बाई वन की पावर वन। एक्स वन कितना है 0.5, बाई वन ये प्लस किया ये है, द सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टू बाई वन इज गिवन बाई। देखिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे जब, तो ये फार्मूला होता है मॉडिफाइड फार्मूला, बाई वन की 2 इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वन वन। दोनों वैल्यू है हमारे पास, देखिए वाई जीरो की वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1, इसकी 1.10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू है, इसको कैलकुलेशन करना है, इसका क्या आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, या अलाउड है कैलकुलेटर। द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू डी वाई अपॉन डी एक्स वन इज डी वाई अपॉन डी एक्स वन टू, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तो यहाँ आएगा एक्स वन प्लस वाई वन की टू, एक्स वन ये वाई वन की टू ये वैल्यू आई है, प्लस किया ये आया। थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू वाई वन इज वाई वन ये थ्री यहाँ आएगा इज इक्वल टू वाई जीरो डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स वन टू अपॉन टू इंटू एच, देखिए y 0 1 प्लस ये वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू अपॉन टू मल्टीप्लाई h, फिर कैलकुलेशन इसकी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनको ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, फिर जो आए उसकी मल्टीप्लाई, फिर पूरे को 1 में प्लस कर देंगे। या
थर्ड अप्रोक्सीमेशन टू डी वाई अपॉन डी एक्स डी वन डी वाई अपॉन डी एक्स वन थ्री इज ए लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स वन थ्री इज इक्वल टू एक्स वन पाई वन की थ्री एक्स वन 0.1 ये है प्लस वाई वन थ्री प्लस किया फोर्थ अप्रोक्सीमेशन टू बाई वन इज बाई वन की फोर वाई जीरो प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स जीरो प्लस डी वाई पॉइंट डी एक्स वन थ्री। देखिए फॉर्मूले में ये नया नंबर बदलता जा रहा है, टू था अब थ्री हो गया, बाकी सेम है सब कुछ, देख सकते हैं आप इंटू एच वाई जीरो वन वही है जो यहाँ था प्लस और ये वाला टर्म भी वही है, ये चेंज हुआ है यहाँ आया है वन टू मल्टीप्लाई ये फिर कैलकुलेशन क्या है। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हमने देखा, अब हम स्टॉप करेंगे यहाँ पर को वाई वन थ्री और वाई वन फोर सेम आ गए, वाई वन फोर वाई वन थ्री, अब हम अगला अप्रोक्सीमेशन नहीं निकालेंगे यही आंसर दे देंगे। पॉइंट फोर प्लेस तक कहा था ठीक है, तो फोर प्लेस देख लो 1.0525 यहाँ तक लेना है, तो ये सिक्स हटाएंगे तो ये सिक्स हो जाएगा 1.0126 हटाने वाले इसको छोड़ेंगे नेगलेक्ट करेंगे तो फाइव से बड़ा नंबर है ये तो ये सिक्स हो जाएगा तो ये वाई वन आ गया। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू वाई टू, अब हमने वाई वन फाइंड कर लिया वाई टू, तो वाई टू के लिए देखो वाई टू वन वाई जीरो प्लस टू एच डी वाई अपॉन डी एक्स वन वन प्लस टू इंटू एच और डी वाई अपॉन डी एक्स वन ये आ गया। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स टू वन निकालेंगे जो कि क्या होगा एक्स वन प्लस वाई वन की सॉरी वाई टू की वन, वाई टू की वन ये है लिखा प्लस किया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वाई टू इज वाई टू की टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स जो जीरो चल रहा था वो वन हो गया और डी वाई अपॉन डी एक्स टू वन टू एक एक नंबर बढ़ गए यहाँ पर, यहाँ जीरो था वाई वन हो गया, यहाँ जीरो था वाई वन हो गया, यहाँ वन था टू। अब ये वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स वन की वैल्यू ये है ये लिख दी और इसकी वैल्यू ये है ये बाई वन है, ये डी वाई पॉइंट डी एक्स बाई वन है, डी वाई पॉइंट डी एक्स टू वन है पॉइंट टू एच पूरी कैलकुलेशन ये डी वाई पॉइंट डी एक्स टू टू सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए पॉइंट वन प्लस 1.1104 तो ये एक्स वन की वैल्यू यहाँ क्या होगा बाई वन टू सॉरी बाई टू टू जो कि ये आई प्लस किया ये आया न्यू फार्मूला बाई टू की थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हुई
बाई वन प्लस डी वाई पर डी एक्स वन प्लस डी वाई पर डी एक्स टू थ्री, सॉरी टू आएगा अभी टू। ये वैल्यू देखो, ये वाई वन की वैल्यू जो यहाँ यूज हुई है, जो यहाँ यूज हुई है वो यहाँ पर प्लस, केवल ये चेंज हुई है वो ये हुई है पॉइंट टू मल्टीप्लाई एच वाई, पूरी कैलकुलेशन है। अब यहाँ देखा ये और ये दोनों सेम आ गए, सो वी टेक बाय टू ये और डी वाई बाई डी एक्स टू, इस क्वेश्चन को टेबल फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिजल्ट इन टेबलर फॉर्म। देखिए x क्या है, जीरो है, 0.5 है, 0.10। y की वैल्यू क्या क्या है, x की जीरो वैल्यू पर y1, x की इस पर 1.0526 और x की 0.1 पर 1.100। ये वाई टू, ये वाई वन है और ये वाई, डी वाई पॉइंट डी एक्स क्या है, एक्स की जीरो वैल्यू पर ये, और एक्स की जीरो पॉइंट पर डी वाई पॉइंट डी एक्स ये, एक्स की 0.1 पर ये। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं।